दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूं संगीता रावत। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं सुबह के, अभी बज रहे हैं 8 बजे से। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कुछ नई जगह से कर रही हूं। आज मैं कर रही हूं, मैं गई हूं अपनी दीदी के ससुराल, यानी कि जो मेरी दीदी कोटद्वार रहती है, आज मैं उसके ससुराल आ रखी हूँ। और उसके ससुराल आने का मेन कारण यह है कि जब मैं कोटद्वार से गाँव आई थी तो मैं अपने साथ अपनी बेटी को नहीं लाई थी, छोटे वाले को। उसने बोला था कि मेरे को दूसरे दिन आना है, तो आज मेरी दीदी के साथ आ रही है मेरी बेटी रूही, तो मैं उसको लेने आ रखी हूँ उसके ससुराल में। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं 7 बजे आ गई थी घर से। और इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, क्योंकि कल रात को यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई कि उसके वजह से बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। तो अभी मेरी दीदी और मेरी दीदी लोग पूरी फैमिली आ रही है, वो तो वो पहुँची नहीं है अभी यहाँ पर, तो उन्होंने गाड़ी कर रखी है, तो उनको उनके पहुँचने से पहले ही मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर। तो अब मैंने कहा पहुंच गई तो क्या करूं, थोड़ा इधर घूम लेती हूं, उसके बाद जब वो आएंगे फिर मैंने उसको लेके अपने घर जाना है। आ गए हैं दो पहलवान, लेकिन और अभी पीछे हैं, हेलो करो। और यहाँ पे इनके गांव में इतने सारे संतरे होते हैं ना, इतने नारंगी होती है ना यहाँ, बहुत ज़्यादा ये है। और अखरोट और संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं इस गाँव में। और ये रहा, इस गाँव का नाम है ठंगा, ये फरसाड़ी से थोड़ा सा नज़दीक है। और जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम घर में जाते हैं, उनके घर पे तो लगा है ताला, लेकिन घूम के आ जाते हैं। मैं भी क्या करूँगी यहाँ पे रह के। हाँ, तो जैसे हम रास्ते में आए, ये देखो रास्ते में मिल गए हमको सुल। खाओगे बेटे? खा लो, नहीं खाओगे? ये देखो सोला खाओ। दोस्तों, छोले तोड़ दिए मैंने, बहुत ही बढ़िया होते हैं। चलो, इनके गांव में हमारे गांव के हिसाब से बहुत ही अच्छा हरियाली हो रखी है। ये देखो घास भी, इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है ये। और ये रहा मेरी दीदी का घर, ये देखो पूरा हरियाली हो रखी है, घास देखो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा मेरे ससुराल में नहीं है, एक अच्छा ऐसे मेरे ससुराल में नहीं है, मेरे ससुराल बहुत रूखा सूखा सा जैसा है, तो यहाँ तो बहुत अच्छा घास हो रखा है। ये देखो, ये है मेरी दीदी का घर का रास्ता। और यहाँ पे कर, यहाँ मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर लोग मिर्च की गुड़ाई कर रहे हैं। कल बारिश आ रखी थी तो मिर्च के लिए टाइम टाइम से गुड़ाई चाहिए, तो बारिश के बाद लोग यहाँ पे कर रहे हैं गुड़ाई। और यहाँ पे देखो नारंगी का पेड़। और ये है अमन का घर। अमन कैसा लग रहा है? ताला तो लगेगा, पहले चाबी लेके आ जाते जब तुमको पहले आना था। तो ये देखो, ये है दीदी का घर। लाइट तो आ रही है, मतलब बिजली पानी ले चुकी है। हाँ, लाइट तो है उसमें, देखो क्यों दिखा रहा हूँ, कोई आ जाएगा चेक करने। देखो, चलती हूँ दोस्तों यहाँ से। वो है मेरी दीदी का घर, और नीचे वाला घर है जो देखो एकदम कैसे टूटे फूटे घर है। लोगों को एक न एक बार गांव में आना ही पड़ता है, अपने देवी देवताओं को पूजा करने के लिए तो गांव में आना ही पड़ता है। इसलिए देखो घर के आगे पूरे घास जम रखी है, और घास काट रहे अपने घरों के आगे। इसीलिए अपने घरों को, घरों में आते रहना चाहिए, और अपने घरों को कभी कभी घरों के दरवाजे भी खोल देने चाहिए। छुट्टियों में, ऐसे सीजन में अपने घरों में ज़रूर आना चाहिए। और अभी मैं चलती हूँ नीचे। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं, और मैं रूई को लेके आ गई हूँ। ये देखो, ये वहाँ उसको बहुत याद आने लग गई थी हमारी, और उसने बोला मम्मी मेरे को आना है आना है, तो इसलिए मैंने उसको दीदी के साथ बिठाया और मेरे को वहाँ तक जाना पड़ा। और अब आराम से रहेगी रुई अपने भाई बहनों के साथ, है ना। हाँ, अपने गांव में करेगी रुई आराम से मस्ती। और अभी हम, मेरे को यहाँ से अपने ससुराल जाने में पूरा 1 घंटा लगेगा बीरूपाल जाने में, तो कोई नहीं, 12 बजे तक आज अब मैं आराम से रहूँगी, नहीं तो मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी, है ना। 12 बज चुके हैं और मैं अभी आई, और अभी मैंने बहुत गर्मी हो रही थी रास्ते में, तो अभी मैं भी मैंने नहा धो गई, और अब मेरे ससुर जी ने बना रखा है खाना, और उसके बाद खाएंगे हम खाना। और आज तो बहुत थकान लगी, मेरा बहुत सफ़र हो गया गाड़ी का। हेलो रुई,
कैसा लग रहा है? अच्छा। रुई को बहुत अच्छा लग रहा है घर में आके। ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? लड़ाई करती है आपके साथ? नहीं है। दादू बंदर खाने चले गए, मुझे लगता है बंदर आ गए। दादू बंदर खाने चले गए। हाँ हाँ, गोलू के दादू आ जाओ खाना को। दादू नहीं है वहाँ, मंकी नहीं है बेटा, पूछना दादू को है। बहुत ही तेज धूप, ऐसा लग नहीं रहा है कि कल की बारिश हो रखी होगी गांव में। इतनी तेज, कल बारिश नहीं हुई, कितनी तेज बारिश हुई कल, और अभी देखो धूप देखो, पता भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4, लेकिन मौसम इतना गजब का हो रखा है। ये देखिए अभी पूरी बारिश आने वाली है, और चारों तरफ देखिए कैसा मौसम हो रखा है, एकदम हवा हवा। और गांव में ऐसा होता है जब बारिश आती है तो सब लोग संभालने लग जाते हैं, कोई अपनी लकड़ियां, कोई घास। काकू ये देखो, आहा क्या सुंदर मौसम हो। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी तक इतनी तेज बारिश हो रही थी, जैसे लोग चाह रहे थे कि बहुत तेज बारिश हुई, बिल्कुल वैसे ही हुई, और ओले भी पड़े बहुत बड़े बड़े। तो अभी मौसम बढ़िया हो रखा है, और बारिश के बाद मौसम इतना सुहाना हो जाता है ना, इतना अच्छा लगता है, प्यारा चारों तरफ हरा हरा लगता है। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है घूमने के लिए, जो हमारा रोज का काम है ना डुगू। और ये है मेरे साथ, कौन है ये, अपना नेम बताओ। नाम क्या? नाम बताओ। अबे ढंग से बोलो। तो ये शौर्य रावत। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है इसको। तो ये शौर्य रावत है, और हम जा रहे हैं रोड में घूमने के लिए नीचे तक, है ना? सिरोडैया। सिरोडैया कौन सी डैया जा रहे हैं? सिंदूरडैया। सिंदूरडैया तो वैसे तो जा तो रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर भी बारिश आ ही रही है अभी थोड़ा थोड़ा सा, देखते हैं आती है तो रुक जाएंगे, नहीं आती तो घूमने चलेंगे। चले शौर्य रावत, चलो जी। गोलू भी तो आ गया था। और ये देखिए दोस्तों बारिश के बाद कितना अच्छा सा हरा भरा चारों तरफ, बिल्कुल पेड़ पौधे घास घूस बिल्कुल हरे। और ये फिर देखो यहाँ पे देखो केले के पेड़, कितने सारे केले आ रखे हैं इसमें, और चारों तरफ हरियाली। और बारिश के बाद तो बहुत ही गजब का माहौल हो जाता है। ये देखो बीन्स के पेड़, ये देखो केले, केले बहुत होते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और अभी चलते हैं हम नीचे तलखाल में, देखते हैं वहाँ पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर शाम को घूमने, बच्चे बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं रोड में, मेरे साथ के आगे चले गए हैं, लेकिन मैं क्या खा रही हूँ पता, ये देखो मैं खा रही हूँ हिसोले किनगोड़े, बहुत ही मज़ा आ रहा है इनको खाने में। ये देखो मेरे साथ के आगे चले गए हैं, मेरे को जहाँ पे ये दिख रहे हैं मैं वहाँ पे खाने के लिए बैठ जा रही हूँ इनको। और थोड़ी देर और घूमते हैं, उसके बाद चलते हैं घर में। और इसको निकालना ना कांटों से बड़ी परेशानी है, कांटे ही कांटे हैं पेड़ में, तो हाथ छिद जाता है, इसलिए इसको आराम से निकालना पड़ता है। ये देखो बहुत ख़तरनाक कांटे हैं इसमें, ये देखो। तो अब चलती हूँ मैं थोड़ी देर में घर में। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड, और मैं संगीता रावत कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।